नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये उन सभी लोगों के लिए ये मैं वीडियो दे रहा हूं जो BHMS कर रहे हैं या BHMS कर चुके हैं। जब हम BHMS कर रहे होते हैं या BHMS कर चुके होते हैं तो हमारे अंदर एक सवाल होता है कि हम BHMS के बाद हमारे करियर ऑप्शंस क्या हैं, मतलब हम किन किन जगहों पर जॉब कर सकते हैं और हमारी जो जॉब है वो कहाँ लग सकती है, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है व्हाट कैन आई डू आफ्टर BHMS। इससे पहले कि मैं आपको BHMS के बाद आपके करियर ऑप्शंस बताऊं, मैं चाहूँगा कि पहले हम ये देखें कि BHMS करने के बाद वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे करियर ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। BHMS करने के बाद आप कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि अगर आप उनको कर लेते हैं तो उसके बाद आपके करियर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं उनको मैंने तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला ग्रुप है हायर स्टडीज़ इन होम्योपैथी, दूसरा ग्रुप है PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट आफ्टर BHMS, तीसरा ग्रुप है MBA कोर्सेज आफ्टर BHMS। मतलब आपके पास तीन रास्ते हैं BHMS करने के बाद, या तो आप MD करते हैं या MSc करते हैं, ये दोनों ही हायर स्टडीज में आती हैं। अगर आप हायर स्टडीज की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये लंबे कोर्सेज होते हैं, कम से कम 2 या 3 साल आपको MD या MSc करने में लगेंगे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो जल्दी भी हो जाए और जिससे आपके जॉब ऑप्शंस बढ़ जाएं, तो आपको फिर PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। वीडियो में आगे मैं आपको इनकी डिटेलिंग भी दूंगा। और अगर आप ये दोनों ऑप्शन नहीं चाहते तो आप एक नॉन क्लिनिशियन एरिया भी है जिसमें आप हम MBA कर सकते हैं। MBA डायरेक्टली आपको पेशेंट से संबंधित नहीं होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े रहेंगे और इसमें भी कुछ जॉब ऑप्शंस हैं। तो आइए दोस्तों, इनका हम डिटेलिंग, मैं आपको इसकी डिटेलिंग देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा, आपके पास हायर स्टडीज का एक ऑप्शन बनता है BHMS के बाद। अगर आपके पास, आप यंग हैं और आपने टाइम से BHMS पूरी कर ली है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन है कि आप हायर स्टडीज़ करें। अब हायर स्टडीज़ में भी दो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, एक होगा MD इन होम्योपैथी और दूसरा होगा MSc इन होम्योपैथी। क्योंकि BHMS ग्रेजुएशन तो हमारी हो ही जाएगी, तो हम MSc के ऑप्शंस भी ले सकते हैं। देखिए, MD पहला ऑप्शन होना चाहिए BHMS के बाद। अब MD होम्योपैथी में किन किन सब्जेक्ट्स में हम कर सकते हैं? देखिए, 4 सब्जेक्ट तो बहुत कॉमन सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर लोग इसमें MD करते हैं, जैसे मटेरिया मेडिका हो गया, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हो गया, आपका रिपर्टरी हो गई और फार्मेसी। ये 4 ऐसे एरिया हैं जहाँ ज़्यादातर लोग MD करते हैं। फार्मेसी में कम लोग जाते हैं, लेकिन आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका में MD करके अपनी क्लिनिकल नॉलेज को भी इनहेंस कर सकते हैं। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए MD ज़रूरी हो जाता है या हायर स्टडीज़ ज़रूरी हो जाती हैं। आप MSc करके भी टीचिंग लाइन में अपना इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस तो हैं ही जो कि होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ एलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें आप MD कर सकते हैं, जैसे कई जगह गाइनी ऑप्स में भी MD होती है होम्योपैथी के अंदर,
कई जगह डर्मेटोलॉजी में भी होती है, पर ज़्यादातर केस में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पीडिया और साइकेट्री सब्जेक्ट्स के अंदर एमडी होम्योपैथी काफ़ी मिलेगी आपको। तो आपके पास होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में और एलाइड सब्जेक्ट्स दोनों के ऑप्शंस हैं, इनमें आप एमडी कर सकते हैं। एमडी करने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि जिस एरिया में आप एमडी करेंगे, जिस सब्जेक्ट में आप एमडी करेंगे, उससे आपकी नॉलेज तो एनहेंस होगी ही, खास करके अगर आप रिपर्टरी में करते हैं, मटेरिया मेडिका में करते हैं या ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन में करते हैं, तो आपकी जो होम्योपैथिक साइड है वो मजबूत होगी। और अगर इसके अलावा अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसा कि सब जानते हैं एमडी करने के बाद ही आपको टीचिंग ऑप्शंस मिल पाते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट जगह भी जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई हायर स्टडीज से संबंधित कोर्स की आपके पास डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज किसी भी टीचिंग ऑप्शन के लिए एमडी कंपलसरी कर दिया है। अगर आप एमडी नहीं कर पाते तो आपके पास एक हायर स्टडीज में एमएससी का भी ऑप्शन है। एमडी इन होम्योपैथी और एमएससी इन होम्योपैथी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैं ये समझाऊं कि एमएससी जब आप करेंगे होम्योपैथी के बाद, तो आपको थोड़ा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एमएससी मिलेगी। कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी मिल सकती है, पर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको एमएससी मिलेगी। हालांकि उसके भी कुछ अपने अलग फायदे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके अंदर आप एमएससी कर सकते हो। अब इसके क्या फायदे होंगे? देखिए, अगर आपने फिजियोलॉजी, हाँ एक और इसमें जोड़ सकते हैं हम साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में अगर आप एमएससी करते हो, तो आप होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ आप किसी एमबीबीएस एलोपैथिक कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बीएचएमएस करने के बाद, जैसे किसी ने एनाटमी में एमएससी कर ली, फिजियोलॉजी में एमएससी कर ली, तो वो डेमोंस्ट्रेटर या लेक्चरर की पोस्ट तक एलोपैथिक कॉलेजेस में उनको जॉब मिल जाती है। हालांकि वो आगे बहुत ज़्यादा उनको उनके प्रमोशंस नहीं होते, लेकिन आप जो उनके डिपार्टमेंट में जो पहला स्टेटस है वो आप गेन कर सकते हैं, वो है लेक्चरर का, या जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। मतलब अगर आप एनाटमी में एमएससी करते हो तो एनाटमी पढ़ा सकते हो, फिजियोलॉजी में करते हो फिजियोलॉजी पढ़ा सकते हो, होम्योपैथी के साथ साथ आप एलोपैथिक कॉलेज में भी जॉब पा सकते हैं बीएचएमएस के बाद। अगर आप एमएससी करते हैं एलाइड सब्जेक्ट्स में, जैसा कि मैंने कहा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में होती है, साइकोलॉजी में होती है, आप साइकोलॉजी पढ़ा सकते हो, एनाटमी पढ़ा सकते हो, फिजियोलॉजी पढ़ा सकते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा सकते हो। इसके अलावा दो ऐसे एरियाज भी हैं जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एमएससी योगा में कर लेते हैं, अगर आप एमएससी फूड साइंस में कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं या योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, जो आपकी होम्योपैथी की प्रैक्टिस के साथ साथ मरीज को योगा और डाइट या फूड के द्वारा आप मरीज के बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप साथ में योगा और फूड साइंस में अगर हायर स्टडीज करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस एनहेंस होगी। आप मरीज को इजीली डाइट और फूड के द्वारा भी ट्रीटमेंट दे पाओगे और योगा के द्वारा भी आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, क्योंकि होम्योपैथी में ज़्यादातर जॉइंट पेन, मसल एक्स और इसके बहुत पेशेंट्स आते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उसके बहुत पेशेंट्स आते हैं, और इन दोनों में ही फूड एंड योगा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको एक सेक्शन बताया कि आप बीएचएमएस के बाद हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक एमडी ऑप्शन है और एक एमएससी का ऑप्शन है। इनको करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है, होम्योपैथिक कॉलेज में भी, एलोपैथिक कॉलेज में भी, वो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। खास करके अगर आपको टीचिंग जॉब में जाना है तो आपको एमडी एमएससी मस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 साल एमडी या एमएससी में
दे सकेगा, तो फिर इसमें कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं। इन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज को करने के बाद आप टीचिंग जॉब में भी तो इसमें हेल्प मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब में भी आपको हेल्प मिलेगी, कुछ प्राइवेट जॉब्स में भी आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे अब इनमें कहाँ कहाँ आपको डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, एक कम्युनिटी मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स होता है। कम्युनिटी मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद देखिए, जो गवर्नमेंट है वो कई सारी पीएससी चलाती है जिनमें कम्युनिटी प्रोग्राम्स चलते हैं। आप लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन में कुछ प्रोग्राम्स पढ़े होंगे, मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो इनमें उनको बहुत सारे हेल्थ वर्कर रखने होते हैं। अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन से कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं बीएचएमएस के बाद, तो आपको पीएससी और जो कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, आपको उनमें जॉब मिल सकती है, ठीक है, जिसमें आप एक टाइम पर अपनी क्लिनिक भी कर सकते हैं और दिन में आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा योगा, फूड साइंस, इसमें भी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी इसके फायदे हायर स्टडीज में बता चुका हूँ। डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी में भी कई जगह चलता है, जैसे दिल्ली में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं स्किन से रिलेटेड डिजीज़ में और हेयर रिलेटेड डिजीज़ में, जिसमें आप कुछ लेज़र थेरेपीज भी आपको करना वो सिखाते हैं। तो कई होम्योपैथी में कई लोग करते हैं अपने नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाने के लिए, तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में जॉब में फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है, पर आप प्रैक्टिस में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब जो पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो कई बार इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर भी आपको कई डिप्लोमा कोर्सेज मिलते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, ठीक है, उनको इमरजेंसी में आप कैसे डील करें, मतलब आपको आईसीयू में कैसे काम करना है, इसके लिए भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो बीएचएमएस के बाद आप कर सकते हो। इससे आपकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते और आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे या किसी बड़ी सिटी के हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट डॉक्टर, तो आप आईसीयू एक डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप आईसीयू के अंदर काम कर सकते हैं। कई लोग एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी कर लेते हैं बीएचएमएस के बाद। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये होम्योपैथी के एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। मतलब जिन मरीजों को आप होम्योपैथी से आराम नहीं दे पा रहे, उनको आप एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भी आराम दे सकते हो। ये भी कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो आप बीएचएमएस के साथ कर सकते हैं, पर इनमें जॉब ऑप्शंस कम हैं। ये आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब हेल्थ रिसर्च में भी जा सकते हैं। हेल्थ रिसर्च में जाने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाती है जिसमें वो मेडिकल रिसर्च कर रही होती है और उसमें काम करने वाले लोगों को वो पैसा भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप हेल्थ रिसर्च से कोई डिप्लोमा कोर्स करके आते हैं, तो आप कोई भी अगर मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च चल रही होती है तो आप उसमें एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हैं। तो आपके पास डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के भी ऑप्शंस हैं, आपके पास हायर स्टडीज़ के भी ऑप्शंस हैं। इन दोनों को करने के बाद एक वाइड एरिया हो जाता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी करने के और प्राइवेट जॉब में भी करने के। अब जैसे कई लोग डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं फार्मेसी में या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनका, होम्योपैथी की फार्मेसी का नहीं, एक जनरल जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनका डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको होम्योपैथी की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके साथ साथ आप एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं बीएचएमएस करने के बाद। ये आपका ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन तो सबके साथ खुला हुआ है बीएचएमएस करने के बाद कि आप एक डॉक्टर बन जाएं, लेकिन अगर आप जॉब ऑप्शंस ढूंढना चाहते हो कंसल्टेंट के अलावा, तो आपको फिर इधर जाना चाहिए।
एक लास्ट ऑप्शन अपने पास बचता है BHMS के बाद, जो कई लोगों को मैंने करते हुए देखा है और उसका फायदा लेते हुए देखा है, वो है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप जानते हो MBA कोर्सेज बहुत कई जगह कई एरियाज में चलते हैं, हेल्थ साइंस में भी या हेल्थ से रिलेटेड अगर आप MBA करते हैं, खास करके हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर सिस्टम में अगर आप MBA करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कई लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। मतलब MBA करने के बाद MBA के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, यहाँ आपको पेशेंट से डायरेक्ट डील नहीं होती है, यहाँ क्या होता है कि आपको एक बड़े हॉस्पिटल या बड़े हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे मैनेज करना है वो आपको MBA के अंदर सिखाया जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, अगर आप टीचिंग जॉब नहीं करना चाहते लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपके पास एक MBA का ऑप्शन भी बनता है। कई लोग BHMS के बाद MBA करके गवर्नमेंट जॉब में भी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी लग जाते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, उनमें भी एक नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, वहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। जैसे हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्पिटल विंग होता है, तो उसमें आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह जॉब मिल सकती है, जहाँ आप डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेकिन आप हॉस्पिटल को मैनेज करने का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन से तो रिलेटेड रहते ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप BHMS कर रहे हैं या कर चुके हैं और अपने जॉब ऑप्शन से अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पहले से ये प्लान बना के चलिए कि मुझे हायर स्टडीज़ करना है, हायर स्टडीज़ में MD और MSc के ऑप्शंस हैं, अगर टाइम नहीं है तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के ऑप्शंस हैं, और या फिर जब आप क्लिनिकल लाइन में नहीं जाना चाहते तो आपके पास MBA का ऑप्शंस है। अब अगर हम ये बात करें कि एक BHMS करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस क्या हैं, तो पहला करियर ऑप्शन तो सब जानते हैं, एज अ डॉक्टर, आई मीन एज अ कंसल्टेंट, आप एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो जिसमें आप मरीजों को देखेंगे, एज एन कंसल्टेंट काम करेंगे, या आप किसी बड़ी चैरिटेबल बड़ी फर्म या बड़े पॉली क्लिनिक्स जो होती हैं, पॉली हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल भी बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी काम करते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी काम करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी काम करते हैं, योगा वाले अलग होते हैं, डाइटिशियन अलग होते हैं, तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं एज एन डॉक्टर। तो एक डॉक्टर का ऑप्शन तो सबसे पहले खुला हुआ है आपके पास। इसके पास जो दूसरा करियर ऑप्शन है वो है टीचिंग जॉब। टीचिंग जॉब आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर सकते हैं होम्योपैथी में, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में होम्योपैथी में जॉब करते हैं तो काफ़ी हैंडसम सैलरी रहती है और मोर और लेस इक्विवेलेंट रहती है एलोपैथिक सिस्टम से, हालांकि थोड़ा कम होता है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स में MSc कर लेते हैं, जैसे एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, तो आप एलोपैथिक प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जॉब कर सकते हो, वहाँ आपको होम्योपैथी के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन बनता है टीचिंग जॉब में। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आप हेल्थ वर्कर की तरह काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कई ऐसे जॉब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स निकालती है जिसमें आप हेल्थ वर्कर, अगर आपने कम्युनिटी मेडिसिन से किया है तो आप हेल्थ वर्कर की तरह काम कर सकते हो। जैसे कहीं कोई बीमारी फैली तो उस बीमारी को मैनेज करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी और उस टीम में आपको लिया जा सकता है अगर आपने कम्युनिटी मेडिसिन से कोई कोर्स किया हुआ है तो ऐसी काफ़ी जॉब्स गवर्नमेंट निकालती है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। BHMS करने के बाद अगर आप फार्मेसी के अंदर MD कर लेते हैं या फार्मास्यूटिकल के अंदर आप डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, तो आप एलोपैथिक मेडिकल स्टोर के साथ साथ आप एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर भी चला सकते हो, है ना। वैसे भी आप BHMS करने के बाद भी होम्योपैथी का तो मेडिकल स्टोर खोल ही सकते हैं। तो आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, आप एक हेल्थ वर्कर बन सकते हैं, हेल्थ वर्कर बनने के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, और डॉक्टर तो आप काम कर ही सकते हैं एज ए डॉक्टर, इसमें
एज एन डॉक्टर आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। लास्ट बचता है जो मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एमबीए करने के बाद। तो एमबीए करने के बाद भी जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं या गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट आपको मिल सकती है। या फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी पॉली क्लिनिक्स हैं, वहाँ भी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं एमबीए करने के बाद। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन हेल्थ वर्कर, एज एन फार्मासिस्ट, एज एन टीचर और एज ए डॉक्टर, ये कुछ कैरियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हैं बीएचएमएस करने के बाद। वो भी तब जब अगर आप ये कोर्सेस करते हैं जिनको जिनके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट कि हम बीएचएमएस करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। थैंक यू, गुड बाय।